नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपने बारिश तो देखी होगी, और क्या आपको बारिश में खेलना पसंद है? पसंद है कि नहीं? जरूर पसंद होगा। क्या आपने बारिश में छोटी छोटी नाव बनाकर चलाई है? क्या आपकी मम्मी भी आपको बारिश में खेलने से मना करती है? जरूर करती होगी। तो बच्चों, आज हम इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम एक कविता का वाचन करेंगे जिसका नाम है पानी और धूप। और इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। इस कविता में उन्होंने दर्शाया है कि बच्चे एक दृश्य को देखकर कैसे कैसे अपनी कल्पनाओं का संसार रच लेते हैं और अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए और हम अब ये कविता को गुनगुनाते हैं। पानी और धूप। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आ जा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। चलिए बच्चों, हम फिर से ये कविता को दोहराते हैं। तो आइए मेरे साथ फिर से इस कविता को गुनगुनाइए। पानी और धूप। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आ जा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? इस कविता में एक बच्ची अपनी माँ से कुदरत से जुड़े कई प्रश्न पूछती है। वह माँ से पूछती है कि माँ, अभी तो धूप थी और अचानक बारिश कैसे होने लग गई? क्या किसी ने बादलों को फोड़ दिया है? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बादलों में पानी भरा हुआ होता है और बारिश आने पर सूरज बादलों में छुप जाता है। वो माँ से पूछ रही है, क्या सूरज को भी उसकी माँ ने बारिश में खेलने से मना कर दिया है? और बादल गरजते हुए क्या किसी को मम्मी डांट रहे हैं? बच्चों, इस कविता में कुदरत के खेल को समझाया गया है। तो आप सब यह कविता समझ गए होंगे। अब आप अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ इस कविता से संबंधित अभ्यास लेकर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।